कभी भी आपके जीवन में असफलता नहीं आती है, लेकिन आपको सफल बनाने के लिए ही आपके जीवन में असफलता आती है। कैसे? एक कहानी के जरिए हम समझेंगे। एक गांव में किसान था, वो अपने खेत में गेहूं उगाता है, लेकिन वहां आसपास की जगह से पानी खत्म हो जाता है, तो उस किसान की गेहूं की फसल अच्छी नहीं होती है। क्योंकि किसान बहुत गरीब था, इसलिए पहले तो वो बहुत उदास होता है कि अब मैं क्या करूंगा, लेकिन फिर उसे क्या सूझता है, वो अपने खेत में ही कुआं खोदने लगता है, बहुत गहरा कुआं खोदने लगता है, गहरा और गहरा, लेकिन बहुत गहरे खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है और अब उस कुएं को ज्यादा गहरा खोदने लगता है। और फिर एक दिन वो खोदते खोदते जमीन के नीचे एक पानी की धारा के पास पहुंच जाता है और धीरे धीरे वो पानी की धारा उस कुएं को भर देती है। किसान इस बार फिर से अपने खेत में गेहूं उगाता है और इस बार गेहूं को पानी मिलने की वजह से फसल बहुत ही अच्छी होती है और फिर किसान बहुत खुश होता है और सोचता है कि काश अगर पहले ही गेहूं की फसल अच्छी हुई होती तो क्या मैं ये कुआं खोद पाता, क्या मैं फिर पानी की चिंता से मुक्त हो पाता। और इसी वजह से वो सोचता है दोस्तों, तो वो कुआं नहीं खोदता और इतनी अच्छी फसल उसके खेत में अब होती नहीं। तो इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि आपके जीवन में असफलता नहीं आती है, बल्कि आपको सफल बनाने के लिए ही आपके जीवन में असफलता आती है।